हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, वेलकम बैक टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रूफटॉप किचन गार्डन का टूर कराने वाली हूँ और साथ में थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। कुछ लीफी वेजिटेबल्स है जो मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ और थोड़ी मैं बगिया घुमा देती हूँ। हमने क्या क्या लगाया है, कहाँ पर नई कैरियों में हमने क्या लगाया है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी पालक लगी हुई है और यहाँ पर हमने मेथी हार्वेस्ट कर ली है। यहाँ पर थोड़े धनिया लगाया है और पीछे साइड में आप देख रहे हैं ये मकई के प्लांट्स लगाए हैं और यहाँ पर शेपू लगाई है। बीच में कुछ दूसरी सब्जी निकल कर आ चुकी है तो हमने रख दी है। और यहाँ पर हमने गोभी लगाई है, बंद गोभी है और फ्लावर भी है। और यहाँ पर देखिए, ये हमने कुछ सेम की बेल लगाई है और यहाँ पर कुछ दूसरे प्लांट्स है। यहाँ पर मेथी है, ये मेथी हम हार्वेस्ट करने को टाइम हो चुका है तो इसमें फ्लावर्स भी आ चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम हार्वेस्ट करेंगे और इसकी सब्जी बना लेंगे। कच्ची तो खाने में नहीं आएगी अभी ये मेथी। और यहाँ पर ये हमारी पालक देखिए, पालक तो खैर खेत में जैसी होती है ऐसी ही हुई है अच्छे से। और ये देखिए, एक एक पत्ता पालक का एक हाथ में पूरा आ चुका है, इतना बड़ा हो चुका है ये लीव्स पालक के। बहुत ही फ्रेश और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पालक निकलती है तो हम बांट भी देते हैं आजू बाजू में, रिश्तेदारों में ऐसे बांटते भी है हम, फिर ज़्यादा हो जाती है। और कितनी फ्रेश पालक है देख सकते हैं आप, पूरी हरी भरी जैसे कि खेत में होती है। अभी हम पालक भी हार्वेस्ट करेंगे आज। और यहाँ पर गलेडिया के प्लांट्स, मेरे फ्लावर्स देख सकते हैं। और ये पालक के सीड्स है, अभी तैयार हो रहे हैं। और एक बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि हमारे बैकयार्ड में जो प्लांट्स हमने लगाए हैं, क्योंकि हमारा जंगल है, हमारे गार्डन सभी गार्डन में से जो जंगल बन चुका है वहाँ पर, उसको हमने बहुत दिन हो चुके हैं आपके साथ शेयर ही नहीं किया है। तो जल्दी ही हम उसका वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे वो गार्डन बहुत पसंद है, बहुत ही नेचुरल लुक आता है उस गार्डन में। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब लीफी वेजिटेबल्स है। ये देखिए, मिर्ची का प्लांट है, बहुत सारी मिर्ची लगी है इसमें। और ये तांदर जीरा बोलते हैं उसके लीफी वेजिटेबल्स, मुझे दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है, हम इसे तांदर जीरा ही बोलते हैं। और यहाँ पर कद्दू लगाया है मैंने, एक कद्दू आ भी गया है, ये देखिए ये कद्दू है। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो सूखे पत्ते हैं ना, हमने कुछ प्लांट्स को कटवा कर वहाँ पे रख दिया है क्योंकि वो बेल जो है कद्दू की उस पर हमने चढ़ा दी है, इसलिए वो सूखे पत्ते देख रहे हैं आपको। और यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं, छोटा सा प्लांट है लेकिन ढेर सारे बैंगन आ चुके हैं, छोटे छोटे हैं अभी। और हमने जो अभी परमानेंट कैरिया बनाई है उसके बारे में कुछ कमेंट्स आए थे हमें, कि परमानेंट कैरिया बनाई है तो उसमें लीकेज हो रहा है क्या। लीकेज तो नहीं हो रहा है और कैरिया का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब हम छोटे गमले में प्लांट्स को लगाते हैं तो उससे बेटर होता है कि हम कैरियों में बड़ी बड़े लेवल पर अच्छे से ग्रो करें तो अच्छे से यील्ड भी आती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अनार का प्लांट है, कितना छोटा प्लांट है लेकिन इसमें फ्लावर्स देखिए कितने आ चुके हैं और फ्रूट्स भी लग चुके हैं। और ये हमारा येलो गलेडिया प्लांट साल भर फ्लावरिंग करते रहता है। और ये तोरई की बेल है, अभी इसमें कुछ फ्रूट नहीं आए हैं, छोटी बेल है अभी। ये बेलों को हमेशा बड़े गमले में ही लगाना चाहिए क्योंकि उनको बढ़ने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है और उनको थोड़ी मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है, तभी बेलें अच्छे से ग्रो होती है। हम अपने सभी प्लांट्स में अपने किचन वेस्ट से बनी हुई खाद और हमारे गार्डन के जो सूखे पत्ते निकलते हैं उसकी खाद ही डालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा भी आता है।
और ये हमारा तेज पत्ते का प्लांट है, हमने इसे हमारे लॉन में नीचे में लगाया था ग्राउंड फ्लोर में, तो वहाँ पर उसको धूप ही नहीं लग रही थी तो उसके पत्ते में कुछ कीट लग गई थी, डॉट डॉट्स आ चुके थे। अभी इसमें इसे हमने धूप में लाया है टेरेस पर, तो इसमें अच्छे से लीव्स आ रही है, नए लीव्स आ रहे हैं और अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और ये टमाटर का प्लांट है, इसमें भी टमाटर आ चुके हैं। और कुछ इस तरह से हमने अपने गार्डन का सेटअप किया है और ये हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी सारी पालक है, कितनी फ्रेश पालक है, देख सकते हैं आप। और मेथी भी ढेर सारी मिली है, ये देखिए पूरी मेथी हमने हार्वेस्ट कर ली है, बहुत सारी मेथी मिल चुकी है हमें। और यहाँ पर हमें तंदर जीरा की लीफी वेजिटेबल्स मिली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हार्वेस्टिंग और मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।